इंजीनियर अपने आप को कहते हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सम्राट चौधरी अगवानी पुल पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी पहुंच गए अगवानी पुल का जायजा लेने। किस तरीके से टूटा, किसकी लापरवाही था, उसके तमाम जायजा लेने के बाद सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सीएम नीतीश कुमार इंजीनियर थे तो चलो हमें लगा भाई कि इंजीनियर है तो बेहतर होगा, पुलों का निर्माण हो रहा है, लेकिन उनके राज में भ्रष्टाचार में लीन और ताश के पत्तों की तरह पुलों का गिरना और टूटना इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री जी के जितने भी अगल बगल इर्द गिर्द रहने वाले वो सभी भ्रष्टाचार में लीन है। ऐसे कौन से इंजीनियर है भाई जिसे काम दिया गया उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। देखिए जिस तरीके से बिहार में अगवानी पुल को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति में सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने निकल कर आया। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि सीएम नीतीश को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, ऐसे इंजीनियर का क्या मतलब, क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी जरा सुनिए। तो हमारा ड्रीम रहा, मैं यहाँ पहले पीपा पुल बनाना चाहता था और बाद के कालखंड में 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की और यहाँ एक फुल स्ट्रक्चर पुल बनाने का सपना देखा। 2014 में इसको स्वीकृति दिलाकर शिलान्यास कराया। मैं क्या जानता था कि एक इंजीनियर मुख्यमंत्री बिहार में हो और पूरा इंजीनियरिंग ही फेल हो गया हो, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुल्तानगंज और अगवानी घाट के बीच ये दो जिलों को जोड़ने वाला था, भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाला ये पुल बन रहा था, लेकिन ये जो विकास मॉडल है नीतीश कुमार जी का ये भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। यहाँ भ्रष्टाचार के चलते ये सारे पुल ध्वस्त हो गए। और इसके साथ साथ मैं अभी कई जगह घूम रहा हूँ, पहले पता नहीं चलता था पुल तो कई जगह ध्वस्त हुए हैं। मैं पूर्णिया में था, पूर्णिया में चार चार जगह इस तरह पुल ध्वस्त हुए। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग पूरी तरह फेल है और ऐसे मुख्य इंजीनियर अपने आप को कहते हैं उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सम्राट चौधरी।